अगर मुझे ये कहना हो कि मैन ऑफ ग्लोबल अलायंसेज, तो उस दिशा में भी आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम दुनिया को देने हो, स्टार्टअप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका हिस्सा रहा, ये सारे मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन पहलुओं पर भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने सारी चर्चा करते हुए रेजोल्यूशन पास किया, जिसको आम सहमति से सबने पारित किया और पूरे देशवासियों की ओर से जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई और उनका धन्यवाद दिया, वहीं पूरे भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की सफलता। दो निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्यौहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिए, 200 रुपए कम किए, और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9,60,00,000 रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75,00,000 मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है, और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75,00,000 कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है और उसको रिइंबर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं। दूसरा निर्णय जो है वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है, और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा, लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी, जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4,400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रथम दो चरणों के में अगर आप देखें देश में 18,000 से अधिक कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया गया था, पहले फेज में लगभग 640 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जहां पर 14,239 डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को किया गया था। फेज 2 में लगभग 1,670 करोड़ रुपए खर्चा है, जहां पर 18,735
डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कंप्यूटराइजेशन का काम किया गया था और फेज थ्री के अंतर्गत अगले चार साल में 2023-24 से इसमें कंप्यूटराइजेशन भी, हार्डवेयर भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये उपलब्ध करवाई जाएगी तथा वादियों और वकीलों को सिटीजन सेंट्रल सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्य रूप से केसेस की कॉज लिस्ट हो तथा जजमेंट की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कराने की व्यवस्था होगी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग सिस्टम की सुविधा की प्रारंभ की जाएगी और कोर्ट से संबंधित ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जैसा मैंने कहा, 4,400 ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समन और प्रोसेस को ऑटोमेटिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रारंभ किया जाएगा और ट्रैफिक चलान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लिटिगेंट अथवा वकील की उपस्थिति के बिना वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा लाइव कोर्टरूम स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ट्रैफिक चलान के लिए लागू की गई वर्चुअल कोर्ट्स की व्यवस्था को सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 24/7 सेवा के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन का कार्य किया जाएगा। सो कुल मिलाकर 7,210 करोड़ रुपए की लागत से 7,210 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के एसेट्स के मेंटेनेंस, अपकीप और रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को देने के लिए भारत सरकार, हाईकोर्ट तथा राज्यों सरकारों के बीच एक ट्राइपार्टाइट एमओयू भी हस्ताक्षरित करेगी। तो कुल मिलाकर जहां एक ओर से टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन होगी जिससे जो मुकदमे हैं उसके शीघ्र निष्पादन में मदद मिलेगी, सिविल, क्रिमिनल और कमर्शियल वादों का निष्पादन ग्लोबल बेंचमार्क टाइमलाइंस के अनुसार करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। वी कैन बिगिन विद सम क्वेश्चंस। विल बिगिन 170 देयर। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। जैसा कि आपने कहा कि ये उज्ज्वला कनेक्शन के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें पहला रिफिल और पहला और स्टोव का जो खर्च है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वहन करेंगी, तो ये खर्च कितना होगा इसका कुछ अंदाजा आप दे सकें? और क्या किसी एक घरेलू कंपनी में, फार्मा कंपनी में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को ही मंजूरी दी गई है? मैं जहाँ तक ये दोष बातें आपके सामने रखी, पहला लगभग 1,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जहां प्रति कनेक्शन सपोर्ट के रूप में 2,200 रुपए दिए जाएंगे जो डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर खर्चा जो आता है वो कनेक्शन की कॉस्ट और स्टोव और गैस यानी कि LPG के सिलेंडर का, इसका खर्चा आता है। तो कनेक्शन का खर्चा जहां एक और भारत सरकार ने पहले कहा कि हम लोग दे रहे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनको रिम्बर्समेंट के रूप में पैसा मिलता है वापस, वो लगभग 2,200 रुपये उनको रिम्बर्स किया जाता है। जो बर्नर और LPG सिलेंडर की कीमत है। नेक्स्ट, यू कैन। कुल खर्चा भी आप जानना चाहते हो कितना होगा? 1,650 करोड़। OMCs को जो पहला रिफिल है और स्टोव का खर्चा जो OMC अपनी तरफ से देंगे, क्या वो भी सरकार रिइंबर्स कर रही है या फिर OMC खुद वहन करेगी? इसमें से एडिशनल कॉस्ट जो है, जो दो बर्नर्स की है, स्टोव की बात करते हैं वो और रिफिल, ये
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वहन कर रही, लेकिन उसको रिम्बर्समेंट भारत सरकार करती है। जो प्रति कनेक्शन मैंने आपको 2200 रुपए बताया वो वही है। रिगार्डिंग फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट्स मिशन, यू नो, डज दिस कंफर्म दैट ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री विल बी कंप्यूटराइज्ड एंड यू नो विल बी ऑनलाइन, और यू नो यू हैव अ डिफरेंट प्लान फाइनली फॉर दिस? देखिए, कोविड के समय भी आपने देखा कि कैसे ई कोर्ट से लाभ मिला, जहां एक और मुकदमे जारी रहे, वकील भी हाजिर होते रहे और न्याय भी जल्द से जल्द मिले उस दिशा में, और ट्रांसपेरेंसी आई, रिकॉर्ड की अपकीप हो, पेपरलेस कोर्ट्स हों, इसमें से हर किसी को लाभ है, जो लिटिगेशन में है उसको भी लाभ है, वकीलों को भी, और कुल मिला के आपको न्याय भी जल्दी मिलता है। इसी दिशा में पहले और दूसरे चरण के बाद, जैसे मैंने आपको लागत भी बताई, अगर पहले के ऊपर 639 करोड़ खर्च हुए थे तो अगले के ऊपर 1670 करोड़, लेकिन इसके ऊपर 7210 करोड़ पे खर्च किए जा रहे हैं, और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की जब हम मैं बात साथ में जोड़ रहा हूं, और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि एक प्रक्रिया और सरल हो, और इसके इंटीग्रेशन से न्याय भी जल्दी मिल पाएगा और जो कई अड़चनें मुश्किलें आती हैं उनसे भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां पे लिटिगेशन करने वाले को भी और कोर्ट में न्याय दिलाने वालों को भी, दोनों को ही एक सुविधा के रूप में ये टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, जहां पर हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सारी उपलब्ध होंगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की भी जब मैंने इसमें बात जोड़ी है तो उससे भी इसका लाभ मिलने वाला है। और ई सेवा केंद्र जो है, इससे लगभग सारे ही पूरे हो जाएंगे 7210 करोड़ से। विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रंट रो प्लीज। सर, दिस साइड सर। If my memory, you know, serves me right, I think in the last cabinet briefing also you had talked about the 75 lakh new connections. So what was the new in this cabinet decision? Second part. Manjuri mili hai na? अच्छा, पिछले बार बोले कम हुए थे ना, 75 लाख वाला बोले थे सर, हम लोग लिखे भी हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। दूसरा है सर, ये बजट का प्रावधान भी 1650 करोड़ रुपए का साथ में कर दिया गया है। सेकंड पार्ट, 3 वर्षों के लिए।